वैसे दोस्तों, आपने हिंदी में एक कहावत तो जरूर सुना होगा कि घर की मुर्गी दाल बरोबर। इसका मतलब है नॉर्मली घर की कोई भी वैल्यूएबल चीज को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं और बाहर की किसी भी चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं। और ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है इंडियन सुपर हीरोज जॉनरा की कॉमिक्स, फिल्म और एनिमेशन में। आपने बहुत से लोगों को ये शिकायत करते देखा ही होगा कि इंडिया में कोई ढंग का सुपर हीरो एनिमेशन नहीं बनता, ढंग की कोई मूवीज नहीं बनती और कॉमिक्स के नाम पे बस रीप्रिंट्स आती है। तो उनसे मैं बस यही कहना चाहूंगा कि भाई, क्योंकि जो ये शिकायत करते हैं वो शायद इंडिया के मार्वल यानी ग्राफिक इंडिया के बारे में नहीं सुना होगा, जो एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स और कॉमिक्स के क्षेत्र में तेजी से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं और लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं, जो इंडिया के लिए वाकई एक प्राउड वाली बात है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये एक ऐसी कंपनी बन सकती है जो सुपर हीरोज जॉनरा में इंडिया को रिप्रेजेंट करे और इंडिया में भी शायद अमेरिकन सुपर हीरोज और मांगा जैसी कल्चर डेवलप करने में हेल्प करे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों, जानेंगे ग्राफिक इंडिया के बारे में हर छोटी बड़ी बातें, जैसे कि इसकी शुरुआत कब हुई, अब तक कितने सुपर हीरोज आए, कितनी कॉमिक्स आई, कितने एनिमेटेड सीरीज आए और इनका फ्यूचर प्लान क्या है। क्या सच में ये मिशन इम्पॉसिबल 2 जैसी फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर जॉन वू के साथ मिलकर एक इंडियन सुपर हीरो की फिल्म बनाने वाले हैं? इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। साथ ही इस बात की भी एनालिसिस करेंगे कि ग्राफिक इंडिया की कामयाबी का इंडियन कॉमिक्स, एनिमेशन और फिल्म इंडस्ट्रीज पर क्या असर पड़ेगा। तो आप लोगों का बिना कीमती वक्त जाए किए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही स्पेशल वीडियो। वैसे तो ग्राफिक इंडिया ऑफिशियली 2011 में अपने अस्तित्व में आया, पर इसका सफर शुरू हुआ था 2006 से, जब वर्जिन ग्रुप के रिचर्ड ब्रांसन, ऑथर दीपक चोपड़ा, फिल्म मेकर शेखर कपूर और एंटरप्रेनर शरद देवरंजन ने मिलकर वर्जिन कॉमिक्स की शुरुआत की। पर महज 2 साल के बाद ही वर्जिन कॉमिक्स के मैनेजमेंट को रिस्ट्रक्चर किया गया और 2008 में इसका नाम बदलकर लिक्विड कॉमिक्स कर दिया गया। 3 साल तक कुछ अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट करने के बाद इसमें एक बार फिर से कुछ नए बदलाव लाए गए और फाइनल ग्राफिक इंडिया अपने अस्तित्व में आया, जिसका पूरा श्रेय जाता है ग्राफिक इंडिया के को फाउंडर एंड सीईओ शरद देवरंजन को, जिनका हमेशा से ही ये ड्रीम रहा है कि वो एक ऐसे सुपर हीरो या कैरेक्टर डेवलप करें जो इंडियन बेस्ड हो, पर उन्हें वर्ल्ड वाइड ऑडियंस देखे, उनका रेपुटेशन भी वैसा ही हो जैसे अमेरिकन कॉमिक्स और जापानीज मांगा का है। वैसे अगर मिस्टर शरद के बारे में मैं ऐसा 5 साल पहले बोलता तो शायद लोग सीरियसली नहीं लेते, हो सकता है मजाक भी उड़ाते, पर अगर हम ग्राफिक इंडिया के आज के पोर्टफोलियो को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे उनका ये ड्रीम बस एक ड्रीम ही नहीं रहा बल्कि अब वो सच भी होने लगा है, क्योंकि ग्राफिक इंडिया ने अब तक चक्र, द इनविंसिबल, अस्त्र फोर्स, बाहुबली द लॉस्ट लीजेंड्स, द लीजेंड ऑफ हनुमान और स्ट्राइकर फोर्स जैसी एनिमेटेड सीरीज ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है, जिसे न केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड में भी लोगों ने काफी पसंद किया है। यही नहीं, इनके आने वाले प्रोजेक्ट की लिस्ट देखकर तो लग रहा है कि अब तक तो ये ट्रेलर था, पिक्चर तो अब शुरू होने वाली है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं इनके करंट प्रोजेक्ट्स को, जिसमें से सबसे पहला और फेमस है चक्र, जिसे 2013 में क्रिएट किया था खुद मार्वल कॉमिक्स के लेजेंड मिस्टर स्टैनली ने, जिसके न केवल कॉमिक्स आए बल्कि एनिमेटेड सीरीज भी कार्टून नेटवर्क पे रिलीज हुआ था और काफी सक्सेसफुल भी रहा। और हाल के ही कुछ खबरों की माने तो इस सुपरहीरो का सोलो लाइव एक्शन मूवी भी हमें जल्द ही देखने मिल सकता है। अब बहुत से लोगों का सवाल ये भी होता है कि क्या चक्र कभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बन पाएगा? तो वैसे तो इसके बारे में कुछ कंफर्म कहना बहुत मुश्किल है, बट सिंस मार्वल भी अब न केवल मार्वल यूनिवर्स बल्कि वो मल्टीवर्स भी क्रिएट कर रहा है, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर कभी वो अपने मल्टीवर्स में इंडियन सुपर हीरोज को लाने की कोशिश करेगा तो उनका पहला प्रेफरेंस चक्र ही होगा। वैसे चक्र अपने एनिमेटेड अवतार से बड़े पर्दे पर कब उतरेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर 2015 में बॉक्स ऑफिस में धूम मचाने वाला बाहुबली को ग्राफिक इंडिया एनिमेटेड अवतार में ऑलरेडी उतार चुका है, जो 5 सीजन और 71 एपिसोड्स में बटा हुआ है, जिसे आप Amazon Prime में देख सकते हैं।
उसके अलावा हाल ही में हॉट स्टार डिज्नी प्लस में आई द लीजेंड ऑफ हनुमान न केवल लोगों के बीच काफी फेमस हुआ था बल्कि इंटरनेशनली भी इसे अच्छा खासा एक्सपोजर मिला था। वैसे IMDB में इसकी रेटिंग 9.2 है जो इस सीरीज के बारे में काफी कुछ कहता है। नेक्स्ट है अस्त्र फोर्स, जिसमें अमिताभ बच्चन के आवाज के साथ साथ उनका कार्टून अवतार भी यूज किया गया है, जिसे हालांकि बनाया तो गया था डिज्नी चैनल के लिए पर अब ये भी अमेजॉन प्राइम पर उपलब्ध है। फिलहाल तो अभी इसका एक ही सीजन आया है जिसमें 52 एपिसोड्स थे, पर इसका सीजन 2 भी जल्द ही आने वाला है। तो ये तो था ग्राफिक इंडिया के एनिमेटेड सीरीज के बारे में। अब अगर कॉमिक्स की बात करें तो यहाँ भी इनकी लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिनमें से 18 डेज सीरीज, देवी, द शैडो टाइगर, साधु, बियॉन्ड, शिकारी फोर्स और चक्र की कॉमिक्स भी शामिल है। वैसे इन कॉमिक्स और इनके सुपर हीरोज के बारे में मैं 1x1 विद कॉमिक्स रिव्यू बताऊंगा दोस्तों, और जिसकी शुरुआत होगी चक्र से, और उसमें ही हम ग्राफिक इंडिया के सारे सुपर हीरोज की ओरिजिन और पावर्स की बात करेंगे, वो भी डिटेल में। आप उस वीडियो को इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मान सकते हैं। फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके फ्यूचर प्लान्स की, जो ना केवल बड़ा है बल्कि और भी बेहतर है। हाल ही में एक कन्फर्म न्यूज आई है कि हॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जॉन वू ग्राफिक इंडिया के साथ मिलकर इंडियन बेस्ड एक सुपर हीरो मंकी मास्टर के ऊपर फिल्म बनाने वाले हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा इस कैरेक्टर मंकी मास्टर के बारे में बताऊं, तो ये मिस्टर स्टैनली के द्वारा ग्राफिक इंडिया के लिए क्रिएट किया गया दूसरा कैरेक्टर है, पर इसे आप प्योर इंडियन सुपर हीरो ना मानकर इसे आप इंडो चाइनीज सुपर हीरो मान सकते हैं। इंडो चाइनीज सुपर हीरो का नाम सुनकर आप थोड़ा चौंक गए होंगे, तो मैं यहाँ इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बता दूं कि इसमें एक चाइनीज आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बताया गया है, जो न्यूयॉर्क में एक रिसर्च के दौरान उसे लीजेंड ऑफ मंकी किंग के बारे में पता चलता है, और वो अपनी इस रिसर्च और कुछ हिडन पावर्स को पाने के लिए इंडिया चला आता है, और यहाँ आकर वो बन जाता है मंकी मास्टर। वैसे तो इसके बारे में फिलहाल इतना ही पता है क्योंकि इसके क्रिएटर्स इसे पहले कॉमिक्स में उतारने के बजाय सीधे इसका लाइव एक्शन फिल्म बनाना सही समझा, और जिसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। बट सिंस ये फिल्म फिलहाल बहुत ही इनिशियल स्टेज में होने के कारण इसका रिलीज डेट बताना मुश्किल है, बट डेफिनेटली हम इससे जुड़ी जानकारी आप लोगों से बीच बीच में शेयर करते रहेंगे। ऐसे ही न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब अगर ग्राफिक इंडिया के इंडियन मार्केट पर इम्पैक्ट की बात करें तो 100% इम्पैक्ट तो बहुत पॉजिटिव होगा। बेशक इन्हें देखकर दूसरे भी प्रोडक्शन हाउस इस फील्ड में उतरेंगे, और जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं और वो बस छोटा भीम और मोटू पतलू जैसे कार्टून तक सीमित हैं, वो भी इस टाइप के दूसरे कंटेंट बनाएंगे जो उन्हें इंटरनेशनली एक्सपोजर दे। वैसे ऐसा रेवोल्यूशन आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पर यहाँ कुछ बातें ऑडियंस की तरफ से भी बोलना जरूरी है कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि ग्राफिक इंडिया को बाहर तो अच्छा खासा रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, उनके काम को सराहा जा रहा है, पर वहीं इनकी बात इंडिया में ही करें तो मामला थोड़ा उल्टा हो जाता है। ग्राफिक इंडिया अभी भी कहीं ना कहीं अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा नहीं कि इनके शोज कोई देखता नहीं, इनके शोज हिट नहीं जाते, बहुत जाते हैं, पर बात एज ए कंपनी इनकी पहचान की हो तो अभी भी उतनी नहीं है जितनी वो डिजर्व करते हैं। बहुत से लोग आज भी ग्राफिक इंडिया के नाम तक से अनजान हैं। हो सकता है वो लोग चक्र और लीजेंड ऑफ हनुमान जैसे शोज देख चुके होंगे और इंजॉय भी किया होगा, पर उन ऑडियंस में से बहुत बड़ा हिस्सा शायद इनके क्रिएटर्स को जानने की कोशिश किया होगा, क्योंकि आज भी मोस्ट ऑफ लोग खाए पिए और खिसके वाला रूल्स ही फॉलो करते हैं। इसको बनाने वाले कौन हैं, कैसे बनाया, ये सबसे लोग कोसों दूर रहते हैं। चलो एक बार तो मान भी लिया जाए कि नॉर्मल ऑडियंस को इन सबसे कोई मतलब नहीं होता, उनको तो बस देखने से मतलब, कौन बनाया, क्यों बनाया, उससे कोई लेना देना नहीं। पर शॉकिंग तो तब लगता है जब बहुत से यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर्स बस शो का रिव्यू करते हैं और क्रिएटर का नाम तक मेंशन नहीं करते, जो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। बट फॉर्चुनेटली इन सब के बावजूद अभी तक ये कंपनी इंडिया के लिए इंडियन कैरेक्टर्स लेकर आ रही है। बट हु नोज, हमारे इस कंटिन्यूस इग्नोरेंस के कारण ग्राफिक इंडिया अपना नाम एक बार फिर से बदलकर ग्राफिक वर्ल्ड ना रख ले। वैसे अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ग्राफिक इंडिया हर संभव कोशिश कर रही है। आप इनकी कॉमिक्स फ्री में भी पढ़ सकते हैं इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर, इनके मोशन ग्राफिक्स और एनिमेशन आप इनके यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। इंडिया में मोबाइल कॉमिक्स का
क्रेज बढ़ाने के एम से ये टून सूत्र नाम का एक मोबाइल ऐप जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। तो इतना कुछ अगर कोई कंपनी खुद से इस कॉमिक्स इंडस्ट्रीज के लिए कर रहा है तो डेफिनेटली हम सबको भी उन्हें वैसा ही सपोर्ट करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि हो सके तो कोशिश करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की, ताकि लोगों को पता चले कि इंडिया में भी इस फील्ड में कुछ बहुत ही अच्छा कर पाने वाले लोग हैं। बस इसके साथ ही आज का ये वीडियो मैं यहीं रोकना चाहूंगा दोस्तों। उम्मीद है इस वीडियो से आपको ग्राफिक इंडिया के बारे में काफी कुछ जानने मिला होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो भाई लाइक और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।